जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस है, आज ही के दिन देश रिपब्लिक हुआ था, आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था, कड़ी मेहनत के साथ संविधान बना था, एक्सपर्ट माइंड्स लगे थे इस संविधान को बनाने में और फिर आज ही के दिन से संविधान लागू हुआ था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज ही के दिन सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को घोषित किया गया था। तो आज मैंने एक पहल चलाई, मैंने एक रिक्वेस्ट बनाने की सोची इस वीडियो के द्वारा कि आज की वीडियो में सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हुए बनाऊंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो का मुद्दा है एयरफोर्स का रिजल्ट। हमारे राष्ट्रपति साहब से मेरा यह निवेदन है कि जिस तरीके से थल सेना, वायुसेना, नौसेना में अफसर लेवल की भर्तियों पर ध्यान दिया गया, उसी तरीके से जवान लेवल की भर्तियों पर भी ध्यान देना हमारी एक नीड ऑफ एन आर है। फौज में थल सेना, वायुसेना, नौसेना के हर एक मेंबर का अपना ही रोल होता है, चाहे वो अफसर हो चाहे वो जवान हो। अगर हम किसी भी एक शख्स या एक कैटेगरी को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस फोर्सेस को वीक कर रहे हैं। और पिछले एक साल में जो कहीं ना कहीं दो बार एयरफोर्स की भर्ती आ जानी चाहिए थी एयरमैन की, वो नहीं आई। पूरे देश के युवा परेशान हैं। बड़े बड़े एजुकेटर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, डिफेंस ट्राई सर्विसेज के चीफ को, सबको लेटर्स लिखे, सबके लिए मीडिया कैंपेन्स चलाए, बट कुछ रिजल्ट नहीं आया। प्रेसिडेंट साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के द्वारा कि एक साल से ज्यादा हो गया है, रिजल्ट्स नहीं आए, हमारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई एक लौता ऐसा भर्ती है जिसके रिजल्ट्स को रोक रखा है, जिसकी न्यू वैकेंसीज नहीं आ रही, जहां पे नेवी AASSR की वैकेंसी आके रिक्रूटमेंट भी हो गया है, फरवरी में ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहां एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स आज भी इंतजार कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप इस वीडियो को प्रमोट करें, अपने द्वारा शेयर करें और #presidentofindia जरूर लिख दें, बिकॉज #presidentofindia से अगर कोई भी वीडियो उन तक पहुंच जाए तो हमारा ये एफर्ट, हमारी एक आवाज उन तक पहुंच जाएगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको एक चीज बहुत, क्योंकि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरे देश की भागदौड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश की वर्किंग देख रहे हैं, पूरे देश की ट्राई सर्विसेज को देख रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से वुमन अब आर्म्ड फोर्सेस में आएंगी, किस तरीके से परमानेंट कमीशन होगा, किस तरीके से वो नेशनल डिफेंस अकेडमी जाएंगी। हर डायरेक्शन पे हमारे देश ने उन्नति की है, हर ट्राई सर्विसेज में, हर फोर्स पे हमारे देश ने बढ़ोतरी की है। कहीं ना कहीं द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, बट एक पैरामीटर है जो एयरफोर्स एक्स वाई का जो नेगेटिव इनपुट्स दे रहा है भारतीय वायुसेना को। अपने आप में वर्ल्ड की फोर्थ बेस्ट भारतीय वायुसेना हमारी भारतीय वायुसेना है, और लोगों का एस्पिरेशंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जब क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स में होते हैं तभी से वो सपना बना लेते हैं कि जी मेरे को एयरफोर्स में जाना है। तो कहीं ना कहीं एयरफोर्स एक्स वाई अगर अपना रिजल्ट रोक रहा है, एयरफोर्स अगर एक्स और वाई का रिजल्ट रोक रहे हैं तो उनकी इमेज डाइल्यूट हो रही है, और इमेज डाइल्यूट ना होने का कर्तव्य हम सबका है। इमेज डाइल्यूट ना हो, इमेज किसी प्रकार से खराब ना हो, इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ एक्शन लीजिए ताकि हमारे एयरफोर्स एक्स वाई के बच्चे जो एक साल से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, वो उनका इंतजार खत्म हो और जल्द से जल्द रिजल्ट आए। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे। डिफेंस एस्पिरेंट्स,
रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और हैशटैग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जरूर अपने वीडियो पे लिख दीजिएगा, ताकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक ये वीडियो पहुंचे और वो कोई एक्शन ले। एट द एंड आई वुड ऑल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्पेशली जो एयरफोर्स XY का रिजल्ट वेट कर रही है, कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। हाँ, हम लोगों का तरीका अलग है, हम लोग शांत रहने वालों में से हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट हैं, आपको अपनी मर्यादा, अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, और हमें भी एज एजुकेटर अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए। हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते, ट्राई सर्विसेज ने हमें बहुत दिया है, थलसेना, वायुसेना, नौसेना ने हमें बहुत दिया है, हम उन पर सवाल नहीं उठाएंगे, पर हाँ रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि एक साल से ज्यादा हो गया है बच्चों का, अब टाइम बर्बाद हो रहा है, बच्चों का विश्वास एफओ से उठ रहा है, वो सपने जो क्लास 5th, क्लास 6th, क्लास 7th में हम देखते थे, उस सपने को साकार करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा एक्टिव होके एयरफोर्स को इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और एयरफोर्स को अपना रिजल्ट रिलीज करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गया हो, आशा करता हूँ कि आज दूरदर्शन पे आप परेड जरूर देखेंगे या देख चुके होंगे। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, 26 जनवरी अपने आप में सच में भारत के लिए फख्र का टाइम है, फख्र के दिन है ये, इसलिए फख्र का दिन है क्योंकि भारत ने बहुत उन्नति पाई है, आगे भी हमारा देश बहुत आगे बढ़ता रहेगा। बस रिक्वेस्ट है तो एयरफोर्स अथॉरिटीज से कि अब समय आ गया है साहब, अब रिजल्ट दे दीजिए। जितने भी एयरफोर्स XY के एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि त्रिशूल डिफेंस अकेडमी आपके साथ है। आप जिस तरीके से भी इस पहल को ले जाना चाहें, जिस एजुकेटर्स के थ्रू भी ले जाना चाहें, जिस तरीके से भी आपकी हित हो, जिस तरीके से भी आपको बेनिफिट मिले, उस तरीके से त्रिशूल डिफेंस अकेडमी स्टैंडिंग विथ यू, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी इज फाइटिंग विथ यू, शोल्डर टू शोल्डर आपके साथ खड़ा है और आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप जिस भी तरीके से अपनी आवाज़ एयरफोर्स तक पहुंचवाना चाहें, ऑनलाइन, ऑफलाइन, कोर्ट के द्वारा, त्रिशूल डिफेंस अकेडमी आपके साथ खड़ा है। और मैं बाकी भी एजुकेटर्स को बोलूंगा कि इस वक्त ये इंटरेस्ट ना देखें कि हम कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, इस वक्त इरादा ये होना चाहिए कि एयरफोर्स XY के बच्चों का बेनिफिट मिले, एयरफोर्स XY का रिजल्ट आए। साथ ही मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि हाँ पेशेंस रखना पड़ेगा, बट विक्ट्री विल बी आज, इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा सा सबर रखिएगा और देखिएगा एयरफोर्स XY का ये रिजल्ट इस बार जरूर आएगा, जल्द से जल्द आएगा। बस अपनी आवाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचानी है, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस अकेडमी।